शामिल इबादत है। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم فنحن أتاهم الله كي शैतान मर्दूद से शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान बड़ा रहम करने वाला है। कसम है ज़माने की, यकीनन सारे इंसान बड़े खसारे में हैं सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए और हक पर कायम रहने और सब्र की ताकीद करते रहे। अल्लाह ने सच फरमाया। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और दीनी भाइयों, आज की मजलिस में तफसीर के लिए जिस सूरत का इंतखाब किया गया है सूरतुल असर है, मक्की सूरत है, मक्का में नाजिल हुई है। अल्लाह तबारक तआला ने इस सूरह मुबारका में चार हिदायतें और चार नसीहतें फरमाई हैं। खुलासा इसका समझिए कि सूरह असर कुरान की मुख्तसर तरीन सूरतों में से है। कुरान की तीन सूरतें मुख्तसर यानी छोटी हैं, तीन आयतों पर मुश्तमिल हैं। सूरह नसर इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह, सूरह कौसर इन्ना अतैनाकल कौसर और सूरह असर जिसकी आज तफसीर हो रही है, तीन आयत पर मुश्तमिल है। लेकिन साथ में ये भी आप सुनते चलिए कि ये सूरत कुरान करीम की जामे तरीन सूरत, यानी आयतें तो तीन हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान का खुलासा इसमें जिक्र कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जो सूरह असर नाजिल फरमाई, यूं समझिए कि ये कुरान का उन्वान है। उन्वान भी अगर आप नहीं समझते हैं या नहीं समझ पा रहे हैं तो सूरह असर ये आईने कुरान है, यानी पूरा कुरान का निचोड़ और खुलासा अगर देखना है और समझना है तो सूरह असर को समझना, उसमें तदब्बुर करना
और उसको पढ़ना, ये पूरे कुरान का खुलासा और नतीजा इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमा दिया। तो दो बातें मैंने जिक्र की है कि सूरह असर मुख्तसर तरीन सूरत है, यानी कुरान की सूरतों में से छोटी सूरत है। दूसरी बात मैंने अर्ज की कि जामे तरीन सूरत है कि पूरे कुरान का निचोड़ और खुलासा लुबे लुबाब अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में जिक्र कर दिया। यही वजह है कि हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो चार इमामों में से एक इमाम हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा दर्जा इल्म और रुतबा को अता फरमाया था। फरमाते हैं कि लोग अगर सूरह असर में तदब्बुर कर लें तो ये सूरत उनके लिए काफ़ी हो जाए, यानी दुनिया और आखिरत के तमाम कामों के लिए और दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों के लिए और दुनिया और आखिरत के तमाम मुनाफे के लिए ये सूरह असर उनके लिए काफ़ी हो जाए। और इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह का दूसरा कौल नकल किया जाता है, उसको आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला पूरे कुरान को नाजिल ना करते, सिर्फ और सिर्फ सूरह असर को नाजिल फरमाते तो ये सूरत इंसानों की हिदायत के लिए काफ़ी हो जाती। इतनी जामे तरीन सूरत का इंतखाब हुआ है। मौलाना और इमाम साहब से मैंने पूछा था कि भाई किस सूरत की तफसीर करनी है, तो उन्होंने यही तरतीब बताई कि भाई गुज़िश्ता दरस कुरान में सूरह गुमज़ा की तफसीर हुई, आप सूरह असर की तफसीर कीजिए। सूरत तो बड़ी मुख्तसर है लेकिन उसके मजामीन और उसकी बारीकियाँ और जो अल्लाह तबारक व तआला ने बातें उसमें जिक्र की है उसको अगर खोला जाए तो काफ़ी वक्त उसके लिए दरकार है, लेकिन मुख्तसर तौर पे आपके सामने उसकी अहम बातें पेश की जाएगी। कुराने करीम ये हिदायत की किताब है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में जो कुराने करीम का मकसद है हिदायत, उसको जिक्र कर दिया। कुराने करीम हिदायत की किताब है। शुरू में अल्लाह ताला फरमाते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। इसी तरह से जहां अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने का तज़किरा फरमाया, वहां पर फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िरा फी कुरान हुदल लिन्नास, कि कुरान जो रमज़ान के महीने में नाजिल किया गया ये लोगों के लिए हिदायत नामा। इसी तरह से खुद कुरान करीम के मुतालिक आगे सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक्वम, कि यकीनन ये कुरान ऐसे रास्ते की तरफ हिदायत और रहबरी फरमाता है जो बिल्कुल सीधा। तो नुज़ूल कुरान का जो मकसद है वो इंसानों की हिदायत और रहबरी है, जैसे इन चंद आयतों से मालूम होता है उसी तरह की हिदायतें और रहबरी अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह असर में फरमाई है। चार हिदायतें जिक्र किए। कुरान नाजिल होने का मकसद ये है कि लोग राह रास्त पर आए। बाकी कुरान में साइंस का होना, इसी तरह से कुरान में फलसफे का होना और कुरान में दिगर उलूम का होना, वो चीज़ें मौजूद हैं लेकिन उसके नुज़ूल का वो मकसद नहीं। कुरान करीम इसलिए नाजिल नहीं किया गया है, अगरचे वो चीज़ें भी उसमें साबित होती हैं, वो चीज़ें भी पाई जाती हैं। तीसरी बात खुलासे के तौर पर आप समझिए सूरह असर के, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो सूरत नाजिल की है कुरान की अव्वलीन सूरतों में से, शुरू में जो सूरतें नाजिल की गई हैं उनमें से सूरह असर भी है। गालिबन इसका नुजूली जो नंबर है नाजिल, जब अल्लाह ताला ने इसको फरमाया है 13वें नंबर पर। कुरान करीम जैसे जैसे नाजिल होता है उसकी तरतीब भी रखी गई, तो 13वें नंबर पर
जबकि कुरान करीम की 114 सूरतें हैं, उनमें से 13 नंबर पर जो सूरत नाजिल हुई वो कौन सी सूरत है? सूरह असर। तो इससे पता चला कि शुरू इस्लाम में और इब्तदाई जमाने में अल्लाह तबारक तआला ने इस सूरत को नाजिल कर दिया था। क्यों? उसको खुद अल्लाह तबारक तआला ने सूरह हूद के शुरू में जिक्र किया कि इस तरह से अल्लाह ताला ये सूरतें शुरू में नाजिल फरमाई, क्या हिकमत और क्या मसलहत थी अल्लाह ताला की। अभी कुरान के पूरे उलूम और कुरान के मुकम्मल चीज़ें लोगों के सामने अभी अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं फरमाई। एकदम अल्लाह ताला अगर बड़े बड़े मजामीन और बड़ी बड़ी चीज़ों को नाजिल कर देते हैं तो इंसान होने के नाते लोग एक दर्जे में परेशान हो जाते हैं कि भाई इतनी सब चीज़ें हम कैसे याद रखेंगे, इसको कैसे, इस पर अमल पैरा होंगे। तो अल्लाह ताला ने किस कैसी हिकमत के साथ कुरान करीम को नाजिल फरमाया। चुनांचे अल्लाह फरमाते हैं किताब उन उहकिमत आयातुहु, कि ये कुरान ऐसी किताब है जिसकी आयतें मजबूत की गई, मुस्तहकम की गई, पहले मुख्तसर मुख्तसर नाजिल करके, फिर उसके बाद थुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर, और फिर बड़ी बड़ी सूरतें, सूरह बकरा जो कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत है, जिस सूरत से कुरान करीम यानी दूसरी सूरत तरतीब के अतबार से सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत शुरू होती है, जो तकरीबन 2.5 पारी की सूरत कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत है। तो बाद में फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नाजिल फरमाया, लेकिन शुरू में छोटी छोटी सूरतें नाजिल करके लोगों की आसानी के लिए कि वो आसान अंदाज में कुरान करीम के मकसद को समझ जाए। तो पता चला कि सूरह असर ये अव्वल तरीन सूरतों में से है, अव्वलीन सूरतों में से। इसके बारे में तफसीर इब्ने कसीर में अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात भी लिखी है कि जब भी, यानी सहाबा इकराम का ये अमल लिखा है कि वो सहाबी जब भी अपने दूसरे साथी से मुलाकात करते तो मजलिस उनकी जब कायम होती तो अब जुदा होने से पहले और मजलिस ख़त्म होने से पहले दोनों एक दूसरे को सूरह असर सुनाया करते। मकसद ये होता कि भाई ये सुनाने के बाद कुरान का जो खुलासा है और कुरान के नुज़ूल का जो मकसद है वो सामने आ जाता। तो ये वो सूरत है सूरह असर। चार नसीहतें और चार बातें अल्लाह तबारक तआला ने इस सूरत में जिक्र की। सबसे पहली बात जो अल्लाह तआला ने जिक्र की है, फरमाया ईमान, जो नजात के लिए शर्त है और जन्नत में दाखिल होने के लिए शर्त है। दूसरी चीज जो अल्लाह ताला ने जिक्र की है वो है आमाल सालिहा, नेक आमाल। अब देखिए, आप गौर कीजिए, जो बात मैं जिक्र कर रहा हूं कि ये जामे तरीन सूरत है, कुरान की पूरे मजामीन को ये मुश्तमिल है। कैसे? अल्लाह ताला ने पहली बात जो जिक्र की है इल्लल्लज़ीन आमनू, ईमान की बात जिक्र की है। तो ईमानियात के मुताबिक जितनी बातें कुरान में आ गई, कुरान में है, वो सब इसमें आ गई। अब ईमान बिल गैब है, गैब की चीज़ों पर ईमान रखना। ईमान बिल मलाइका है, फरिश्तों पर ईमान रखना। ईमान बिल कुतुब बिल समाविया है, आसमानी किताबों पर ईमान रखना। इसी तरह से ईमान बिल अंबिया है, हजरत अंबिया इकराम पर ईमान रखना। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, तमाम रसूलों पर ईमान रखना। तो ये सब इसमें आ गया। जन्नत जहन्नम पर ईमान रखना, जन्नत और जहन्नम को हम में से किसी ने नहीं देखा। इसी तरह से हश्र और नश्र के मुताबिक जितनी भी बातें अल्लाह ताला ने जिक्र की हैं कि एक दिन अल्लाह ताला कयामत बर्पा करेंगे और सारे लोगों को अल्लाह ताला जमा फरमा देंगे, उनके किए का हिसाब देना होगा, आमाल को उसका वजन किया जाएगा। ये सारी जो बातें हैं ये ईमान बिल गैब पर, हमने देखी नहीं है लेकिन हमारा इस पर क्या है? बोलो ना भाई, ईमान है। बात समझ रहे ना आप लोग?
कि इन सारी चीज़ों पर हमारा ईमान है। कुरान में यही जिक्र किया गया है, उसको खुलासे के तौर पर सूरह असर में कहा, पहली चीज ईमान। दूसरी चीज फरमाया वो आमिरुस सालिहात, नेक आमाल। अब नेक आमाल में अखलाक के उन्वान से जितने भी आमाल हैं, इसी तरह से और जो इबादात के ताल्लुक से भी जितने आमाल हैं वो सब के सब इसमें आ गए, आमिरुस सालिहात। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तिलावत, जिक्र, अज़कार, ये सारी चीज़ें आमिरुस सालिहात में आ गई, वही कुरान में जिक्र की गई। तीसरी हिदायत और तीसरी नसीहत जो इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई है वो है तवासव बिलहक, यानी जिस तरह से आदमी अपने ईमान और आमाले सालिहा की फिक्र करके उस पर जमा हुआ है तो सिर्फ अपनी जात की हद तक वो काफी नहीं है, बल्कि इसके बारे में दूसरों की भी फिक्र करता रहे और दूसरों को भी ईमान और आमाले सालिहा की दावत देता रहे, जिसको हम तबलीग कहते हैं, यानी दूसरों तक भी ईमान को पहुंचाना, दूसरों को भी ईमान की दावत देना, दूसरों के भी आमाल की फिक्र करना। ये कब होगा? खुद आदमी के आमाल सही और दुरुस्त हो। तो गर्ज ये कि ईमान और अमल साले को खुद अंजाम देना है और फिर उसके बारे में दूसरों की फिक्र करना है, वो तवासव बिलहक, इसी को कुरान करीम में जिक्र किया गया है जगह जगह पर। उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइदतिल हसना, कि अपने रब के रास्ते की तरफ, अपने रब की तरफ बुलाओ हिकमत और मसलहत के साथ। बल्लिग मा अंजिल इलैक, पहुंचा दो जो कुछ तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है। वह इल्लम तफाल, अगर तुमने अकामात को नहीं पहुंचाया, ईमान की दावत नहीं दी, आमाले सालिहा के लोगों की फिक्र नहीं की, तो ऐसी सूरत में फिर इल्लम तफाल फमा बल्लगता रिसालता, तो रिसालत का हक अदा नहीं हुआ। तो ये चीज़ जो कुरान करीम में जगह जगह मुख्तलिफ पैराए से अल्लाह ताला ने जिक्र की है, अल्लाह ने यहाँ पर फरमा दिया वो तवासव बिलहक। और चौथी चीज जो अल्लाह ताला ने जिक्र की है, फरमाया वो तवासव बिसब्र, चौथी जो नसीहत, जमे रहने, साबित कदम रहना, सब्र। सब्र के मुख्तलिफ माना और मुख्तलिफ मुराद होती है, यानी ईमान और आमाले सालिहा पर जमे रहना, चाहे जैसे भी हालात हो जाए, ईमान और आमाले सालिहा को नहीं छोड़ना। ईमान पर साबित कदम रहना, वो तवासव बिलहक, और खुद भी रहना, दूसरों को इसकी दावत देना, दूसरों की इसकी वसीयत करना। तवासव, तवासव का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वसीयत से बना है, आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है जब किसी का इंतकाल, इंतकाल के वक्त या उससे पहले अपने किसी मुताल्लिक के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए वसीयत हो करे, ताकीदी हुक्म करे कि भाई मेरे इंतकाल के बाद मेरे माल में से फुला इतना फुला को दे देना या फुला मस्जिद में दे देना। वसीयत यानी ताकीद के साथ मौसर अंदाज में किसी को हुक्म देना। ऐसा नहीं कि भाई एक मरतबा हमने कह दिए बस बात हो गई, या चलते फिरते हमने समझा दिए हो गया, नहीं, बल्कि वसीयत कहते हैं ताकीद के साथ मौसर अंदाज में किसी को नसीहत करना और किसी को हुक्म देना, इसको बोलते हैं वसीयत। उसका लफ्ज कुरान करीम ने इस्तेमाल किया है वो तवासव बिसब्र। अब सब्र आमाले सालिहा पर जमना, ये भी सब्र है। गुनाहों से अपने आप को बचाना, ये भी सब्र है। और आमतौर पर हमारे दरमियान जो सब्र का मफहूम इस्तेमाल होता है, सब्र जिस मफहूम में इस्तेमाल होता है कि आदमी के ऊपर कुछ हालात आ जाए, कोई मुसीबत, कोई हादसा का वो शिकार हो जाए, उसके घर में कोई गम की खबर आ जाए, तो उस वक्त सब्र से काम लेना, ये हमारे दरमियान मशहूर है। ये भी उसका एक मतलब है, लेकिन यही मतलब नहीं है, बल्कि सब्र का एक मतलब तो ये है कि एक आदमी पंच वक्ता नमाज
पाबंदी से अदा कर रहा है। अब हालात ऐसे नहीं है फिर भी वो यानी घर पर बीमार है या खुद भी बीमार है या सफर में है या अपने कारोबार में दुकान पर बैठा हुआ है, बाजार का दिन है या इसी तरह से गर्ज ये कि किसी भी अपने वो दुनियावी मशगूलियत में है, लेकिन नमाज का वो पाबंद है, यही पाबंदी सब्र कहलाए। अपने आप को इबादतों पर जमा देना। रमज़ान का महीना जैसे आमतौर पर गर्मियों में आता है तो गर्मी से न डरते हुए उसका मुकाबला करना और रोज़ों का अहतमाम करना फरमाया सब्र है। इसी तरह से किसी शादी ब्याह खुशी के मौके पर घर वाले बीवी बच्चे या रिश्तेदार ऐसी बात पर मजबूर कर रहे हैं जो बात शरीयत कुरान हदीस के रोशनी में दुरुस्त नहीं है, फिर भी उनका मुकाबला करके उससे बचे रहना और उनकी तरफ से जो हालात आए उस हालात पर सब्र करना, ये भी सब्र कहलाता है। तो गर्ज ये कि बहुत बड़ी चीज़ है सब्र। हमने एक चीज़ में उसको महदूद कर दिया कि कोई मुसीबत परेशानी हुई उस पर सब्र करना, नहीं, बल्कि ये सारा मफहूम उसमें आता है। ये इस सूरह मुबारका का खुलासा हुआ। अब चंद बातें आयतों के मुतालिक और अर्ज करनी है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अल्लाह ताला ने इस सूरत को शुरू किया है एक कसम के जरिए, फरमाया वल असर, कसम है जमाने की। अब अल्लाह ताला को जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला को कसम खाने की जरूरत नहीं, मुस्तनद है वो बात जो अल्लाह ताला फरमाए, यानी मोटबर है। कसम जो खाई जा रही है या कुरान में और जगह पर जो अल्लाह ताला ने कसमें खाई हैं वो हमारे समझने के लिए, हम बंदों के एतबार से कि समझो ये जो बात है ऐसी मामूली बात नहीं है बल्कि बड़ी और अजीम शान बात है, इसीलिए मैं रब्बुल आलमीन उसके ऊपर क्या खा रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ। इसको तुम मामूली मत समझो, जमाने के अल्लाह ताला ने कसम खाई, इसलिए कि वक्त और जमाना ही ऐसी चीज है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इसका सरमाया, वक्त का सरमाया अता किया। अब उसको एक मिसाल से आप समझिए कि हम इंसान दुनिया में बसने वाले तमाम इंसान जो है वो ताजिर है, तिजारत करने वाले, बिजनेसमैन, और माल और सरमाया अता करने वाली जात वो अल्लाह तबारक व तआला की है। और सरमाया जो अल्लाह ताला ने अता किया है वो वक्त का सरमाया है। ये दुनिया की हर चीज से कीमती है, लेकिन हमारे मुआशरे में अगर सबसे ज्यादा बेवकात और सस्ती चीज हमारे नौजवानों ने खास तौर से किसी को बनाया है तो वो वक्त को, टाइम पास। हालांकि टाइम पास करने की चीज नहीं है, टाइम तो आपको पास करते रह रहा है। इसीलिए किसी शायर ने बड़ी अच्छी पते की बात कही है, हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। यानी बर्फ के मानिंद ये सरमाया अल्लाह ने हमको दिया है वक्त का। और ये किसी कहने वाले ने कहा, अल वक्त अथमनु मिन अज़्ज़हब वल फिज़्ज़ा, सोने और चांदी से भी ज्यादा अगर कीमती है मेरे नौजवान भाइयों तो वो वक्त है। इस वक्त को सही कामों में, जो मैं मिसाल दे रहा हूं आपको कि अल्लाह ताला ने जो हमें रसूल माल दिया है, जो सरमाया दिया है, वक्त का दिया है, कि हम ताजिर हैं और हमारा जो सरमाया और जो रसूल माल है वो वक्त है। अब इंसान के ऊपर है
चाहे तो उसको वो नेक आमाल में, अच्छे कामों में, तालीमी लियाकत को बढ़ाने में और एजुकेशन में, तालीम मैदान में नौजवान, और इसी तरह से जो बड़ी उम्र के हैं वो बिजनेस में अपने आप को लगाकर अपने दीन को भी संवारे, दुनिया को भी बनाए और दीन की भी फिक्र करता रहे, दीन भी उनका सही हो और दुनिया भी उनकी संवर जाए, ये सरमाए को अगर सही इस्तेमाल। और फिर और अगर चाहे तो इसको ऐसे ही पास करके और इसको बुरे आमाल में लगाकर आदमी दुनिया भी अपनी बर्बाद करके आखिरत की जो हमेशा की ज़िंदगी है उसमें भी नाकाम और खासिर और इसी तरह से नुकसान उठाने वाला हो सकता है। तो वक्त फरमाया आसमानो मिन अल्ज़हब वल फिज़्ज़ा, एक आदमी के पास सोना और चांदी का, चांदी आप बात समझने में थोड़ी देर लगेगी लेकिन समझ में आ जाएगी कि भाई बज़ाहिर तो अकल नहीं तस्लीम करेगी कि भाई वक्त जो है सोने चांदी से ज़्यादा कीमती होगा। मेरे जो नौजवान भाई उनको मैं खास तौर से मुखातब हूँ, हम वक्त को टाइम पास का जरिया बना रहे हैं मोबाइल के जरिए, मुख्तलिफ गेम्स वगैरह उसमें खेल कर, या ऐसे नहीं भी कुछ करते तो मोबाइल की स्क्रीन पर बस उसको हिलाते रहेंगे, मोबाइल का लॉक बंद रहेंगे, बंद करेंगे। नहीं मेरे भाइयों, ये उम्र अजीज जो अल्लाह ने दी है, इसीलिए एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने सूरह असर जिसकी तफसीर की जा रही है उसका, उसकी तफसीर जो समझी है एक बर्फ़ बेचने वाले के ज़रिए से। लारी पर एक शख्स बर्फ बेच रहा था और आवाज़ बजा रहा था कि भाई जल्दी करो, मैं ये बर्फ़ ले लो और ये मेरा सरमाया, अगर तुमने नहीं लिए तो वक्त के साथ धीरे धीरे ये बिगड़ता जाएगा और पानी होता जाएगा। उसके उस बेचने पर मैंने सूरह असर की तफसीर समझी कि अल्लाह ने ये बता दिया कि मैंने तुम्हें सरमाया दिया, और सरमाया कोई मुंजमद और ठोस चीज़ नहीं है कि बाकी रहे, बल्कि रफ्ता रफ्ता ये पिघलते जाएगी, उम्र कम होते जाएगी। और आदमी कहता है कि अब मैं जवान हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया, 25 साल का हो गया हूँ, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो 25 साल उसकी उम्र के घट गए। इसलिए कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर उम्र मुकद्दर है 70 साल या इसी तरह से 80 साल, तो उसमें से अगर किसी के 40 साल मुकम्मल हो गए तो रह गए कितने, अरे बोलिए ना भाई, हाँ 30 साल, 40 साल, 70 साल अगर उम्र मुकद्दर है तो 30 साल, 80 साल उम्र मुकद्दर है तो 40 साल उसके रह गए। तो गर्ज ये कि उम्र घट रही है, जिस तरह से बर्फ पिघल रहा है इसी तरह से आदमी की उम्रें, इंसान जो इस दुनिया में वक्त को लेकर आया हो इस तरह से जैसे कम होता जा रहा है, जबकि आदमी ये सोचता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं जवान हो गया हूँ, शादीशुदा हो गया हूँ, बच्चे वाला हो गया हूँ, दादा बन गया हूँ। अरे भाई, जितने आप आगे उम्र जाते जाएगी उतने आप जो है अपनी आखिरत से और मौत से करीब होते जा रहे हैं। बहरहाल, तो सोने और चांदी से ज़्यादा कीमती अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई तो मसूम मैं आपको समझा रहा हूँ। फरमाया अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए नागानी आफतों से, एक्सीडेंट की मौत से, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया रोड पर, सड़क पर हादसा हो गया, उसको दवाखाने पहुंचाते पहुंचाते हॉस्पिटल ले जाना था, पहुंचाते पहुंचाते थोड़ी सी देर हो गई ट्रैफिक की वजह से या किसी और अम्र की वजह से, डॉक्टर के टेबल पे जैसे ही पहुंचे तो डॉक्टर ने आई एम सॉरी कहकर कह दिया कि 5 मिनट पहले अगर आप ला लेते तो हम कुछ कर सकते, लेकिन अब इसका कुछ नहीं होगा, वक्त ख़त्म हो गया। उस पेशेंट के रिश्तेदार अपना पूरी ज़िंदगी का कमाया हुआ पूरा सरमाया सोना और चांदी भी उसके कदमों में डाल दे तो डॉक्टर कहेगा नहीं, अब इसकी जान वापस नहीं आ सकती, 5 मिनट का मसला था सिर्फ, 5 मिनट अगर आप पहले आ जाते तो हम कुछ हरकत कर सकते थे, अब ये कुछ नहीं होगा। बताइए वो 5 मिनट जो उस पेशेंट के है वो कितने कीमती है, वो सब अपने ज़िंदगी का सरमाया सोना चांदी उसके कदमों में डालने के लिए तैयार हो गए, लेकिन डॉक्टर तो माफ़ी चाह रहा है, आई एम सॉरी कि मैं नहीं, कुछ नहीं कर सकता हूँ, टाइम हो गया। तो ये वक्त जो है आप समझ में आ गया होगा कि सोना और चांदी से भी ज़्यादा क्या है, कीमती है। तो मेरे नौजवान भाई, इसको सही मसरफ में हम इसको इस्तेमाल करें। रात देर तक जागना, सुबह देर तक सोते रहना, ये शरीयत के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशे के, कुरान और हदीस के मंशे के खिलाफ हैं। कुरान तो कह रहा है मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक,
कि रात के आखिरी शब में रात के आखिरी हिस्से में, शब के आखिरी हिस्से में उठ जाओ और अपने रब की बात करो, यानी सुबह सवेरे क्या होना है, जल्द बेदार होना है। अब सुबह सवेरे आदमी जल्द कब बेदार होगा, जब शाम में जल्दी से सो जाए, और जल्दी सोने का हुक्म है फरमाया ला सबर तबादल ईशा, ईशा के बाद आप कोई गुफ्तगू और बातचीत करना नहीं है, मजलिस से नहीं जमाना है, होटलों पर नहीं बैठना है, चौराहों को नहीं सजाना है, इसी तरह से चौपाटियों पर बैठकर मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि जल्दी से सो जाना है। जो कौम जल्दी सोने और सुबह जल्द बेदार उठने की आदी हो जाए, उस कौम को दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती, शिकस्त नहीं दे सकती, उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और ये तालीम मुझे और आपको सदक़े में मिली है प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन हम नौजवान उस तालीम से क्या है, गाफिल। ज़माने की अल्लाह ताला ने कसम खाई, वल असर, फरमाया इंसान जब दुनिया से, अब इंसान चूंकि बहाना तलाश करता है, जब अल्लाह ताला के दरबार में वो हाजिर होगा तो यही अल्लाह ताला को से कहेगा कि मुझे कुछ मोहलत और कुछ वक्त आप दे देते तो इस सूरत में मैं नेक आमाल और आखिरत की भी फिक्र कर लेता। हमारे दरमियान भी वो सोच है कि भाई अभी तो जमाना पड़ा है, यानी हज को भी जाना है, तो आमतौर पर हिंदुस्तानियों में ये रिवाज है कि हज को आखिरी उम्र में जाएगा, अभी जाकर हज करके आ जाएंगे तो सब हाजी साहब बोलेंगे इसलिए पाबंद जाना पड़ेगा। अल्लाह के बंदो, हज आखिरी उम्र में करना है, नहीं नहीं, ये धोखा है। फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान मोहलत मांगेगा, मोहलत उसको वहां मोहलत मांगेगा, दुनिया में तो नहीं, दुनिया में तो सोच रहा है कि भाई बाद में देखेंगे, अभी नहीं, वहां मोहलत मांगेगा कुछ वक्त दे दीजिए ताकि मैं दुनिया में जाकर कुछ नेक अमाल और अच्छे अमाल कर सकूं। तो अल्लाह ताला फरमाए गया वलम नुअम्मिरकुम मा यतदक्करु फीही मन तदक्कर वजाअकुमुन नदीर, क्या हमने तुम्हें इतनी जिंदगी और इतनी उम्र नहीं दी थी कि जिसमें अगर नसीहत हासिल करना चाहो और राह रास्त पर तुम आना चाहो तो आ सकते थे। वजाअकुमुन नज़ीर, और साथ में हमने डराने वाला अंबियाए कराम की शक्ल में, उनकी सूरत में, और इसी तरह से आखिरी नबी के बाद वारिसिन अंबिया उलमाए कराम की शक्ल में, इसी तरह से नसीहत करने वालों की शक्ल में, और दीनी एतबार से खैरखाई करने वालों की शक्ल में हम हर जमाने में तुम्हारी जो तो नसीहत, तुमको नसीहत करते रहे और भेजते रहे, यानी तुम्हारे उज्र करने का और मोहलत मांगने का कोई मौका नहीं है, सारे मौके तुम गंवा कर और घुमा कर आए हो। अल्लाह ताला के सामने फिर इंसान को मोहलत नहीं मिलेगी, इसलिए अभी टाइम है, वक्त है, तो इस वक्त की कदर करके, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने जमाने की कसम खाई। मुफस्सरीन पर कुर्बान जाइए, अजीब और गरीब नुक्ते मुफस्सरीन जिक्र करते हैं, फरमाया इस जमाना बताने के लिए अल्लाह ताला ने असर ही का वक्त क्यों उसका इंतखाब किया, भाई असर के पांच नमाजों में से एक नमाज है ना, नमाज है असर, भाई जानते हैं ना असर की नमाज है, अल्लाह ताला ने असर की नमाज का इंतखाब फरमाया, ये नहीं असर का लफ्ज, नमाज तो है एक असर, लेकिन उस लफ्ज का यहां पर इंतखाब फरमाकर इस तरफ इशारा कर दिया कि असर के बाद का वक्त जो होता है वो थोड़ा होता है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त क्या है, थोड़ा है, इस थोड़े वक्त में ताजिर तिजारत करने वाले जल्दी जल्दी, अरे बाजार से आप समझेंगे बाजार में सुबह आप जाए तो भाव बढ़ा हुआ है, लेकिन असर के बाद अगर बाजार में जाए तो फिर अब इसके हिसाब से, गड्डियों के हिसाब से और ठोके के हिसाब से आपको माल मिल जाएगा। वो लोग ये यानी ताजिर ये सोचता है कि अब टाइम क्या रह गया, कम रह गया, इसलिए इस कम टाइम में सस्ता महंगा, सस्ता महंगा जैसा भी हो माल को क्या कर लेना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। लफ्ज़े असर और जमाने की कसम खाकर उसके लिए असर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अल्लाह ने इशारा कर दिया कि दुनिया में तुम्हारी जो जिंदगी थोड़ी है वैसी तुम्हारे अंदर
जज्बा और शौक और वैसी कुड़न होना चाहिए जिस तरह से ताजिरों में असर के वक्त होती है, यानी जैसे ही मौका मिले उसमें आपको नेक आमाल करने हैं, अच्छे आमाल को बजा लाने। फरमाया वल असर, कसम है जमाने, अल्लाह ताला ने जमाने की कसम खाई, इससे उसकी अहमियत का भी पता चलता है। और देखिए धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा है, आप अलैहिस्सलाम जब हिजरत फरमाकर मदीना आए थे उसको 1443 साल यानी 42 के बाद अब 43वां साल शुरू हो चुका है। 1400 मुहर्रमुल हराम का नया महीना शुरू हो गया और 1443 साल आप अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के लिए, तो गर्ज ये कि अब टाइम बहुत कम रह गया, ऐसा समझिए। अलामात क़यामत बहुत सारी रूनुमा हो चुकी है, इसलिए वक्त की हम कदर करें, वक्त की कदर को पेशा, अल्लाह ताला इसके हमें तौफीक नसीब फरमाए। आगे अल्लाह फरमाते हैं दूसरी आयत, अब आगे चलिए वल असर इस लफ्ज पर मुख्तसर जैसा आपको बता दिया गया, फरमाया इन्नल इंसान लफी खुसर, बड़ा ताकीदी हुक्म है, इन्ना के माना के बेशक, फिर उसके बाद लाम ताकीद का लफी और खुसरन में, खुसरीन में जो तनवीन है, उलमाए किराम इस बात को समझ सकते हैं, खुसरीन में जो तनवीन है तफ़्सीर के लिए यानी बड़ा बड़ापन बताने के लिए, जिसका तर्जुमा कहो तर्जुमा ये कर सकते हैं कि यकीनन बेशक इंसान बड़े खसारे में, लाख दो लाख का खसारा नहीं है, करोड़ का खसारा नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़ा खसारा, बड़े खसारे में इंसान है। अब इसमें सब इंसान आ गए, लेकिन फिर आगे की चार हिदायतें और चार शर्तें जिनमें पाई जाए वो इससे निकल जाएगी। इन्नल इंसान लफी खुसर, नाकामयाब नाकामी में अपड़े हुए हैं कामयाब इंसान, उनके फरमाया आगे उनमें जिनमें चार औसाफ हो वो कामयाब। अब कामयाब और नाकामयाब का मेयार क्या है, हम इंसानों की नज़र में और हमारे जहन में ये है कि खूब तिजारत परवान चढ़ जाए, दुकान हमारी चल जाए, हाँ हम कामयाब। इसी तरह से माल दौलत मिल जाए हम कामयाब, या इसी तरह से और कोई हमें खुशी मिल जाए तो हम कामयाब। ये हमने अपनी कामयाबी और नाकामी का मेयार, और कुछ नुकसान हो जाए, माली नुकसान हो जाए तो नाकाम हो गए, दुकान चलते चलते उसमें मंदी आ गई हम नाकाम हो गए। कहाँ ये वक्ती तौर पर है, असल कामयाबी क्या है तो फरमाया कि अल्लाह का राजी हो जाना, और असल नाकामयाबी क्या है फरमाया अल्लाह का नाराज हो जाना, असल कामयाबी जन्नत का मिल जाना। फमन ज़ुहज़िया अन्नार व उदख़िला अल-जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो जहन्नम से रोक लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया ये शख्स असल कामयाब। और फरमाया नाकामी क्या है, कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीन खसिरू अन्फुसहुम, के कह दीजिए यकीनन खसारे में जिन्होंने अपने ज़ात को नुकसान में और घाटे में डाला है वो लोग हैं जो जिनके ऊपर और दाएं बाएं से हर तरफ से अजाब उनको घेर लिया, वो जहन्नम में ढकेल दिए जाएंगे। तो जहन्नम में ढकेल दिया जाना ये नाकामयाबी है, और जन्नत में दाखिल हो जाना फरमाया ये कामयाबी है। तो इंसान तो खसारे में है लेकिन कामयाब इंसान वो है जिसको फरमाया जिससे अल्लाह राजी हो जाए और उसको जन्नत मिल जाए, जन्नत में दाखिला उसका हो जाए। और असल नाकाम इंसान कौन है फरमाया जो जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए और उसके बदले में वो जहन्नम में ढकेल दिया जाए, जहन्नम में डाल दिया जाए, ये शख्स असल नाकाम नाकामयाबी को इख्तियार करने वाला है, उसमें पड़ने वाला है। बाकी दुनिया में मामला 19-20 होना, उच्च नीच होना, तो ये इम्तिहान है, आजमाइश है, वक्ती तौर पर है। अगर ये असल होता देखिए आप ज़रा गौर कीजिए कि एक वक्त यानी जो सीज़न चल रहा है, जो मौसम चल रहा है मुहर्रमुल हराम का, उस
के उनवान से कुछ बात मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मुहर्रमुल हराम ही के महीने में शहादत हुसैन का वाकया पेश आया। जुमा के बयान में भी कहा गया था कि एक वाकया नहीं है बल्कि और भी इस तारीख में बहुत सारे वाकयात पेश आए, लेकिन बात के मुनासिब जो लग रहा है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि दुनियावी एतबार से कोई तख्त मिल जाना, कोई ओहदा मिल जाना कामयाबी की दलील नहीं है, तो ये वक्ती तौर पर है, इम्तिहान है। यजीद उस वक्त में तख्त नशी हुआ और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर नेज़ों पर चढ़ा। क्या ये कामयाबी है? नहीं, ये तो वक्ती तौर पर हालात और इम्तिहान इसको कहा जाएगा। लिहाजा दुनिया में किसी भी तरह से अगर हालात आ जाए तो आदमी को घबराना नहीं है कि मैं नाकाम हो गया, या इसी तरह से कोई कामयाबी कोई ओहदा मिल गया तो उसमें फख्र नहीं करना है कि मैं कामयाब हो गया, बल्कि असल कामयाबी जो है वो अल्लाह की रजा है, अल्लाह का राजी हो जाना और जन्नत का मिल जाना। और ये चीज़ें कैसे मिलेंगी? तो उसके लिए फिर आगे की जो चार हिदायतें हैं उन चार हिदायतों को इख्तियार करना पड़ेगा। फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनु, चार शर्तें आप उसको समझिए। पहली शर्त जो है ईमान, इससे काफिर निकल गया, गैर मोमिन इससे निकल गया। गैर मोमिन चाहे वो यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, मुशरिक हो, काफिर हो, कोई भी कामयाब नहीं है। कामयाब कौन है? कामयाबी की पहली शर्त फरमाया ईमान, ईमान। दूसरी जो शर्त है कामयाबी की कि जन्नत का दाखिला मिल जाए और जहन्नम से बच जाए, तो फरमाया दूसरी शर्त है वामिलुस्सालिहात, नेक आमाल करना। सिर्फ ईमान काफी नहीं है, बाज़ लोग जबान से कह भी देते हैं, कुछ कहते नहीं है लेकिन अपने अमल से साबित कर देते हैं, भाई बस हमने कलमा पढ़ लिया उतना काफ़ी है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और दीगर जो आमाल हैं वो हमसे नहीं होते हैं। पर मैं नहीं, नजात के लिए सिर्फ ये काफ़ी, ईमान आदमी की नजात तो हो सकती है लेकिन जन्नत के जो दर्जात हैं यानी नजात के लिए भी सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं, ये समझिए, बल्कि ईमान के साथ आमाल सालिहा शर्त है। इसी वजह से हज्जाज इब्ने यूसुफ का जब इंतकाल हुआ तो उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा, हज्जाज इब्ने यूसुफ बड़े अजाब में मुब्तला है, बड़े अजाब में गिरफ्तार। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, हज्जाज इब्ने यूसुफ क्या हाल है? कहा देख नहीं रहे हो, अजाब में गिरफ्तार हूं, बस ईमान की थोड़ी सी चिंगारी दिल में जो थी उसका सहारा है कि उस सहारे पर कभी ना कभी जन्नत में दाखला मिल जाएगा। सिर्फ आदमी के अंदर ईमान हो और आमाल सालिहा ना हो तो फिर जहन्नम से गुजरकर जन्नत में दाखला हो। ईमान की वजह से जन्नत तो मिलेगी लेकिन वो आया जहन्नम, यानी सऊदी तो जाना है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वाया दूसरे कुवैत से होकर या किसी और जगह से होकर जाना पड़ता है, घूम घुमा कर जाना पड़ता है, रह नहीं आपके साथ। तो ऐसे ही फरमाया ईमान, खाली ईमान हो तो नजात तो होगी लेकिन वाया जहन्नम। अब जहन्नम में कब तक पड़ा रहे और जहन्नम का एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है हज्जाज इब्ने यूसुफ इस तरह से। सुलेमान इब्ने अब्दुल मलिक का जब इंतकाल हुआ और जब उसका जनाजा तैयार हुआ और कब्र में उतारने के लिए उसको तैयारी थी तो देखा कि उसका वो हरकत कर रहा है, बॉडी हरकत करी, जिस्म हरकत कर रहा है, बेटे जो वहाँ मौजूद थे कहाँ हमारे वालिद जिंदा हैं? उमर अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने फरमाया जिंदा नहीं है, अजाब कब्र शुरू हो चुका है। जिंदा नहीं है, अजाब कब्र शुरू हो चुका है। मैं ये उन लोगों के नाम बोल रहा हूँ आपको जो साहिब ईमान थे लेकिन जिंदगी में उनके आमाल सालिहा नहीं थे। हज्जाज इब्ने यूसुफ इतना सख्त तरीन बादशाह गुजरा है कि उसने अपने दौरे हुकूमत में कई सहाबा को और कई ताबईन को जिनकी तादाद लाखों में आती है उनको शहीद कर दिया। हज्जाज इब्ने यूसुफ एक
नाबीना आदमी बैतुल्ला के सामने दुआ कर रहा था कि अल्लाह मेरी आंखें लौटा दे, मेरी आंखें लौटा दे। दुआ इस्तेजार के साथ होना चाहिए। इस्तेजार का मतलब यानी बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ अपने आप को मुतवज्जे कर। ऐसा नहीं कि भाई हम दुआ भी मांग रहे हैं और हमारा दिल किसी और तरफ है। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने देखा कि भाई इसका दुआ में दिल नहीं लग रहा है, बस ऐसे ही मांग रहा है। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने उससे कहा कि अगर मैं तवाफ कर रहा हूँ, सात चक्कर का एक तवाफ होता है, वो तवाफ होने से पहले अगर तेरी दुआ कबूल नहीं होती तेरा सर कलम कर दूँ। उसका ऐसा ही मामला था हज्जाज इब्ने यूसुफ, जिसको चाहता सर कलम कर देता, शहीद कर देता। अब इसको पता लग गया कि भाई आंखें अगर नहीं मिली तो अब क्या होना है, गर्दन का जाना है। ऐसा रोया गिड़गिड़ाया, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हुआ कि उसका तवाफ पूरा होने से पहले अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। नहीं समझे? तो गर्ज ये कि दुआ बिल्कुल आहुजारी के साथ, खुशू और खुजू के साथ, तवज्जो इल्लाह के साथ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर दुआ होनी चाहिए। तो मैं आखिरी साहब कुछ बातें अर्ज करके बात खत्म कर रहा हूं। तो हमारी बात चल रही थी ईमान पर। ईमान नजात के लिए काफी, लेकिन वो आया जहन्नम होकर, बात आप समझ गए। फरमाया वो आमिलु सालिहात, जिंदगी में अगर नेक आमाल होगे, अल्लाह के अवामिर होगे, अल्लाह के अहकामात होगे, और अल्लाह ने जिन चीजों से रोका उससे अगर बंदा रुकेगा, तो फिर उस सूरत में वो उसके बदले में अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा, जन्नत में उसका दाखिला हो जाएगा, जहन्नम में नहीं जाना। फिर उसके बाद कहा ये दो का चीजें काफी है। तीसरी और चौथी बात आप मत बताइए, हम जन्नत मिल गई बस सब हो गए, तो हम तो जन्नत के ही बंदे हैं। लेकिन फरमाया व तवासव बिल हक, दूसरों की भी फिक्र करना कि जिस तरह से मैं साहिब ईमान हूं, आमाल सालिहा मेरी जिंदगी में है, मेरे पड़ोस वाली की जिंदगी में भी कैसे आ जाए आमाल सालिहा, उसकी भी फिक्र करना है। बिरादराने वतन के ईमान की भी फिक्र करना है। हाँ, किसी काफिर का अगर जनाजा उठे तो उस पर अफसोस होना चाहिए कि हमारी कमजोरी की वजह से, हमारी बदअखलाकियों की वजह से आज उसको इस्लाम की दावत नहीं पहुंची और वो बगैर ईमान के इस दुनिया से जा रहा है, बगैर ईमान के इस दुनिया से जा रहा है। तो काफिर का भी जनाजा उठे तो उस वक्त भी हमारे दिल में एहसास हो, ये तवासव बिल हक में। तो फरमाया तवासव बिल हक, जन्नत मिल गई ईमान और अमाल सालिया की वजह से, तो फिर दूसरों की फिक्र किया तो कहा नहीं, जन्नत में जाने के बाद भी तरसेंगे और अफसोस करेंगे अगर तवासव बिल हक यानी दूसरों की हक की फरमाइश और हक पर कायम रखने की हमने ताकीद नहीं की, फिक्र नहीं की, दूसरों को दावत नहीं दी, तो वहां पछताएंगे। कैसे पछताएंगे कि वो तवासव बिल हक की वजह से रफे दर्जात हो गए जन्नत के दर्जात में। एक अदना मोमिन को अल्लाह ताला दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। तो अल्लाह के जो बरगुजीदा बंदे हैं, शुहदा हैं, सिद्दीकीन हैं, सालिहीन हैं, अंबिया हैं, रसूल हैं, वो जन्नत के इतने बड़े दर्जों पर होंगे कि देखते देखते हमारी टोपी सर से गिर जाएगी। अब हम नीचे की मंजिले में, ऊपर के मंजिले में। तो फरमाया दिल तो चाहेगा इंसान, क्योंकि हरीस है कि हम भी काश का होते ऊपर के दर्जे में होते, वहां के दर्जे में होते, तो वहां के दर्जे में जाने के लिए वो तवासो बिल हक करना पड़ेगा। इसलिए कि ये जो दूसरों की इस तरह से फिक्र करना, ये अंबिया कराम का मिशन था। हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फिक्रें थी कि आप अलैहिस्सलाम दाइमल फिक्र थी, हमेशा फिक्रमंद रहते थे। काय की फिक्र में? घरवार की फिक्र, कारोबार की फिक्र नहीं। फरमाया जो ईमान पर अभी नहीं आया है और जन्नत वाले रास्ते पर नहीं आया, वो कैसे आ जाए, इसकी फिक्र हुआ करे। तो इसी फिक्र को अगर उम्मती लेकर चलेगा, तवासो बिल हक को लेकर चलेगा, चाहे वो जिस शोबे में भी हो, दावो तबलीग के जरिए हो, मदारिस और मकातिब के जरिए से हो, या खानखाओं के जरिए से हो, हर एक का जो मंजिल एक है, रास्ते चार हैं, लेकिन मंजिल क्या है, एक है। चारों तबकों को और ये चारों तबकों में फिक्र यही है कि भाई
बंदे अल्लाह ताला के करीब कैसे हो जाए, उन्हें अल्लाह कैसे मिल जाए, सही रास्ते पर वो कैसे आ जाए। तो फरमाया जिस शोबे में भी रहते हुए इसकी फिक्र करेंगे तो जन्नत में रखे दर्जा। अब काफी है, जन्नत मिल गई, जहन्नम से नजात मिल गई, और जन्नत में मिले भी क्या आला दर्जा, रफे दर्जा तो हमें भी होता है आला दर्जे में। नहीं समझे शायद आप, यानी जो नेक अल्लाह के खास बंदे होंगे तो उनको आप समझेंगे वीआईपी जन्नत मिलेगी। एक तो आम जन्नत है और एक वीआईपी कोटा होता है, तो उस कोठे में और उस जगह उन लोगों को जन्नत मिलेगी जो ईमान वाले भी हैं, आमाले सालिहा भी हैं, और साथ में बुरन भाई भी समझूंगा कि आप समझ रहे हैं, साथ में दूसरों की भी ईमान और आमाले सालिहा की क्या करें फिक्र करें, तो उनको रफे दर्जात मिले, यानी वीआईपी जन्नत में उनका भी दाखिला हो जाए। तो आप बोलेंगे तीन चीज़ें काफ़ी, आप मुफ्ती साहब चौथी चीज़ जाए तो आप दर्जे रखे दर्जे आप भी हो गया, जन्नत में आला मकाम भी मिल गया, चौथी चीज़ क्या है? वो तवासव बिसब्र, यानी सब्र की ताकीद करते रहे आमाल सब्र के, जैसे मैंने शुरू में तफसील कर दिया था खुलासे में, आमाल सालिहा पर जमने की ताकीद करना, गुनाहों से बचने की ताकीद करना, कोई मुसीबत परेशानी आ जाए तो उस वक्त सब्र से काम लेना, इसकी ताकीद दूसरों को हुक्म करना, ये बंदा अगर इख्तियार करेगा तो इसको आप मिसाल से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी खेल में 20 टीमें उतरी, 20 टीम है, अब खेल होते 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 फाइनल में कितनी टीम होती है, अब बोलिए ना साहब, दो टीम होती है, अरे दो होती है ना, अब इस दो ये दर्जे के एतबार से बराबर है, ये दोनों टीम चूंकि सबको हारते हुए ये फाइनल में आई है, लिहाजा इस एतबार से ये दर्जे के एतबार से बराबर है, लेकिन अब इन दोनों के दरमियान जब मुकाबला होगा, चाहे क्रिकेट के एतबार से हो, हॉकी के एतबार से हो, फुटबॉल के एतबार से हो, किसी भी एतबार से भी इनके दरमियान मुकाबला होगा, तो तकदीर के एतबार से दोनों में से एक हारेगी और दूसरी जीतेगी। तो अब जो हारी हुई कौम है, जबकि वो इन सब टीमों को हराते हुए आई है, और दुनिया में या उस मुल्क में उस टीम का कितना नंबर है, दूसरा नंबर है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को क्या समझेंगे कि हम हारे हुए हैं। तो ये चौथी चीज अगर बंदा छोड़ दे, तो अगरचे वो फाइनल में पहुंच गया, सारी चीज़ें उसकी हो गई, लेकिन उसको अफसोस होगा, काश ये चौथी चीज़ को भी हम इख्तियार कर लेते तो वो तवासव भी सब्र, खुद भी सब्र करते और दूसरों को भी सब्र की तलकीन करते, तो ऐसी सूरत में फिर हमें अफसोस नहीं होता, इस काम को भी हम अंजाम दे देते। इसलिए फरमाया कि ये जो चारों चीज़ें हैं, ईमान है, आमाले सालिहा है, और दूसरों की खैरखाई करना है, और चौथी चीज़ खुद भी सब्र से काम लेना है, दूसरों को भी सब्र की आमाल पर जमने की, गुनाहों से बचने की ताकीद करना है, इन चारों चीज़ों को जब आदमी इख्तियार करेगा तो ये आदमी कामयाब होगा। ये चार चीज़ें जिनके अंदर पाई जाएगी, फरमाया कुरान के नज़दीक वो कामयाब तरीन शख्स है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो बातें कही गई है उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। माशाल्लाह ये बहुत मुबारक सिलसिला आपने शुरू किए हैं सिल्लोड़ में, जहां ये आजीज रहता है, कई सालों से ये सिलसिला शुरू है। अभी ईशा से पहले सादिक सेठ के यहाँ नसर खान पे हमारी बात हो रही थी कि अब ये सिलसिला दूसरी मस्जिदों में भी शुरू करना है। सिल्लोड़ में इस तरह इसकी जमीयत उलमा के निगरानी में मजलिस उलमा, जमीयत उलमा दोनों तंजीमें वहाँ पर है, मजलिस उलमा सिल्लोड़, इसी तरह से जमीयत मजलिस उलमा सिल्लोड़ का हर महीने में एक तारीख को, 5 तारीख को मशवरा होता है, उस मशवरे में महीने भर के उमूर तय हो जाते हैं। उसमें ये बात भी जो इस मौके के मुनासिब है कि भाई इस महीने में 4 या 5 हफ्ते हैं, कितने हैं उस एतबार से मसाजिद तय कर लिया जाती है, 5 हफ्ते हैं, अब इन 5 हफ्तों में
फुला 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 मस्जिद में इतवार को तफसीर होगी, और बाकायदा फिर उसकी दावत भी चलाई जाती है, ऐलान भी होता है। तो इस तरह से सिलसिला शुरू है। अपने यहाँ भी शहर बदनापुर में भी इस मीनारा मस्जिद में कुछ हफ्तों से ये सिलसिला शुरू हुआ है, और अब उलमाए कराम की भी ये फिक्रे हैं, और इसी तरह से जमीयत से जो लोग जुड़े हुए उनकी भी ये फिक्र है कि भाई अपनी इस मस्जिद के साथ में दीगर मस्जिदों में भी ये सिलसिला क्या हो जाए, शुरू हो जाए। उसकी तरतीब ये बताएगी। सैयद ने कहा कि एक हफ्ता इतवार को यहाँ पर होगी, दूसरा हफ्ता चूँकि यहाँ खाली रहता है, 15 दिन की होती है ना, तो दूसरा हफ्ता शहर की एक मस्जिद में मरकज में, फिर तीसरे हफ्ते में यहाँ मीनारा में, चौथे हफ्ते में फिर मक्का मस्जिद में, इस तरह से यानी हर हफ्ते आपको तफसीर का क्या मिले, मौका मिले, दरस कुरान सुनने का मौका मिले। और बहुत मुबारक सिलसिला है। अब देखिए इतनी छोटी सी सूरत में अल्लाह ताला ने कितनी बातें जिक्र कर दी, वो भी मुख्तसर समेटते समेटते हुए आपके सामने आई है। कुरान की ये सूरत हम नमाजों में उसमें पढ़ते आए हैं, लेकिन इन चीज़ों की तरह अब तक हमारा जहन नहीं गया है। तो आपसे मेरी ये भी दरख्वास्त है कि भाई जिस तरह से हमारे जिम्मेदारों की फिक्रें हैं, आप उनका साथ दें। साथ देने का मतलब ये है कि खुद भी हाजिर रहे और अपने दोस्त अहबाब में, अब मिसाल के तौर पर 20-30-40 का मजमुआ है, ये 40 आदमी एक की भी अगर तश्कील करें इसके लिए, तो आइंदा मजलिस में 80 लोग हो जाएंगे। धीरे धीरे फिर ये माहौल और सिलसिला बढ़ता रहेगा। अल्लाह ताला इसको पायदारी और इस्तेकामत नसीब फरमाएं, और जो बातें आप देखेंगे अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएं। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।